एग्जीबिशन जार्स भी कहते हैं, नॉर्मली हमने लोकली बनवाए थे यहाँ पे। अब इनकी स्टेजेस जो आप पूछ रही थी कि हैच की स्टेज क्या है, हमने अंडा कलेक्ट किया था 2 दिन पहले थर्ड स्टेज का, और 2 दिन के बाद ये हैच आउट होकर फ्राई निकल गई है, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो फ्राई की स्टेज है, वो खुद ही ऊपर आती है तो हाँ, वो बाहर। और कुछ इनमें एग्स भी हैं, ठीक है। अब ये एग्स जो हैं ये अपना टाइम पीरियड पूरा करेंगे, उसके बाद हैच आउट होकर बाहर आएंगे। इनके साथ यॉक सैक जो है वो साथ रहेगी जब तक ये एक्टिव स्विमर नहीं बनेगा। बिल्कुल, ये सारा इंक्यूबेशन का प्रोसेस है, यहाँ पे इंक्यूबेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला सेक्शन है, उसमें मल्टी ट्रायल की रेडिंग करते हैं, उसको बेसिकली रेडिंग ट्रेस भी कहते हैं। वो फिर आपको यहाँ पे ये एड्स जो होते हैं ये कैसे खाते हैं, ये वही हैं वहाँ से तो हाँ जी हम डालते हैं, उनका मुंह खोलते हैं, वहाँ से एग्स लेते हैं और फिर उन एग्स को आर्टिफिशियल हैच करते हैं। क्यों हैच रख लिया, हमारी जो गवर्नमेंट होगी ना आपको कट्टे करते हैं, फिर आपको सीट देते हैं, आपको सारी एग्स एक्सप्लोर। फिर आप उनको ग्रो करा, ठीक है। अच्छा, ये मतलब कितना है, इसको इंड्यूस ब्रीडिंग भी कहते हैं। अब हम इंड्यूस ब्रीडिंग दो तरह से करवाते हैं, एक तो हम फर्टिलाइजेशन इंजेक्शन के थ्रू करवाते हैं, इनमें फर्टिलाइजेशन तक का प्रोसेस वहीं वहीं होता है फार्म के अंदर। हमने एग उठाया वो फर्टिलाइज था, इनको हमने इंक्यूबेट करवाया इन जार्स के थ्रू, फ्राई स्टेज पे लेके गए, फ्राई को हमने 21 दिन रेयर किया, उनको SRT फीड दी, देन हमने फार्मर को सप्लाई कर दी। वाटर टेम्परेचर तलापिया तब ब्रीड करेगा वेनेबल टेम्परेचर 24 से ऊपर होगा। हाँ जी, इसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 28 से 30 तक है ऑप्टिमम ब्रीडिंग। सारे कितने टाइम तक हो जाएंगे, ये डिपेंड करता है स्टेज पे। अगर हमने थर्ड स्टेज दिखाया तो 2 दिन में है तो हो जाएगा, मतलब उसने आपको नहीं पता ना कि उसने मुँह में कितने दिन तक रखे हुए हैं, ठीक है। अगर उसने 3 दिन टोटल कितना होता है हैचिंग टाइम, ये हैचिंग टाइम 8 डेज के बाद हो जाता है, 8 दिन में बच्चे निकल आते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने कितने, अगर आपने उसके मुँह में पहले 3 दिन हो चुका है तो आपके ये 5 दिन के बाद, अगर वहाँ पे 1 दिन हुआ था तो 7 दिन के बाद। अच्छा एक और चीज़, सॉरी मैम, अच्छा इसमें देखेंगे नीचे से कॉन्टिन्यू सेरेशन आ गया बाहर, आपने देखे थे सर्कुलर टैंक जो आप कार्ड्स की ब्रीडिंग कराते हैं ना, वो आप सर्कुलर टैंक में उनका आप अंडे जब वो छोड़ देते हैं उसके बाद ना, और उसके सेंटर में आप होल देख रहे हैं, और इन्होंने वो आपको वो भी दिखाए हैं बड़े पाइप जिसके अंदर सुराख हुए हैं और उसके बाद फिल्टर्स लगे हुए हैं, वो उसके अंदर डाल देते हैं। घर में आपने सिंक देखा है कभी भर जाता है गन से तो आप उसको निकालते हैं एकदम पानी स्वर्ल में जाता है, तो वहाँ पर वो जो पानी की मूवमेंट है ना वो स्लो स्लो राउंड सर्कल में होती है, उससे क्या होता है एग्ज आपस में चिपकते नहीं है। मछली जब अंडे से हैच होती है तो स्विम नहीं कर पाती क्योंकि उसमें अभी एग योक होता है, उसका स्विम ब्लैडर नहीं बनता, स्पीशी टू स्पीशी वेरी करता है कि कितने दिनों में स्विम ब्लैडर बन जाता है। अगर वो स्विम ब्लैडर नहीं बनेगा तो इन्फ्लेट नहीं है, तो वो अगर आप उसको पानी को सर्कुलर नहीं रखोगे तो सारी की सारी नीचे बैठ जाएगी, जैसे मछली या अंडे नीचे बैठेंगे तो फंगल सर। तिलापिया के लिए 8 डेज का होता है, हर 8 दिन के बाद स्पॉनिंग करती है, एग कलेक्शन होती है। लेकिन अगर टेम्परेचर अच्छा हो तो आप 7 दिन में भी थर्ड स्टेज ले सकते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर डाउन हो तो ये डेज जो है 9 से लेके 11 भी चला जाता है थर्ड स्टेज। ये है ना हमारी जो कार्ड्स है उन्होंने एक दफ़ा ब्रीड कर दिया उसके बाद वो अगले साल भी। मैम कुछ स्पेशल है जैसे ग्रास क्रॉप हो गया, सिल्वर क्रॉप हो गया, जिम्राफी जिसको कहते हैं, और उसके बाद रघु है और थैला जिसको लैबी रही था और कैटला कैटला है, ये दोनों जो है साल में एक दफ़ा ही करते हैं अप्रैल से लेके जुलाई तक एंड तक, और कैटला कैटला वो अप्रैल से मई से स्टार्ट होता है और अगस्त तक जाता है। तो एक ही रूट स्टॉक वो एक बार ब्रीड कराते हैं, वही रूट स्टॉक से इनब्रीडिंग्स हो जाती है ना, फिर हम रूट स्टॉक को 2 साल के बाद चेंज कर लेते हैं। मैं कह रही हूँ कि एक दफ़ा आपने उसको स्ट्राइक कर लिया एक साल में, एक दफ़ा एक दफ़ा हो गया, अब उसको दोबारा अगले साल आप ये बोल रहे हैं हर 7 दिन के बाद ये तिलापिया की स्पेशलिटी है कि 7 से 8 दिन क्योंकि आपकी जो कार्ड्स है ना उनको आपने एक दफ़ा स्ट्राइक कर लिया तो उसके बाद अगले साल में छोड़ जी जी, ये ओवरीज और टेस्टिस का साइकिल होता है, वो रिग्रेशन में जाती है फिर उसके बाद दोबारा से ग्रो करती है, ठीक है। अभी जैसे उन्होंने बताया कि तिलापिया ने एक दफ़ा अंडे दे दिए उसके बाद आप सेम पेरेंट्स से दोबारा अंडे, दोबारा 8 दिन के बाद उसी पेरेंट से अंडे देते हैं,
उन्होंने एयर पंप्स लगाए हैं तो पानी फ्लो कर रहा है, इसलिए वो नीचे बैठ गए। और इसके एग का साइज भी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू कार्ब्स। इसके एग का कलर भी होता है, जो आपके कार्ब्स के एग होते हैं वो मोस्टली ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। इसका ये येलोइश है, ठीक है। और यहाँ से जो भी हैचिंग प्रोसेस में आ गया वो यहाँ से ट्रे में चला जाएगा। जैसे आपको प्राइज अभी नज़र आ रही है, यहाँ से हम प्राइज को शिफ्ट करते हैं रेलिंग में, वहाँ पे वो एक्टिव स्विमर बनते हैं, देन हम पॉन्ड में लेकर जाते हैं। और ये बेसिकली हम जो एग मूवमेंट करवाते हैं ये फंगस की वजह से करवाते हैं। अगर फंगल अटैक ना हो, अगर एग यहीं पर सेगमेंट हो गए नीचे बैठ गए तो फंगल अटैक हो जाएगा, पूरा आपका जाल खराब हो जाएगा। हमने कुछ टाइम फेस किया ये वाला प्रॉब्लम, लेकिन वो वक्त के साथ वो टेम्परेचर कंट्रोल है। टेम्परेचर 28 ऑप्टिमम टेम्परेचर है ब्रीडिंग के लिए, और वाटर टेम्परेचर आजकल 28 ही चल रहा है। और एक और चीज़ देखें कि उन्होंने ट्रे रखी हुई है, उसके साइड पे होल करके वहाँ पे नेट लगाया हुआ है ताकि पानी का ओवरफ्लो ना हो, जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए लेकिन फ्राई नहीं हो जाए। साइज देखें नेक्स्ट, कोशिश करते हैं उनको साथ में रिमूव कर दें, क्योंकि उनको फंगस लगती है, वो साथ वालों को भी फंगल अटैक बना देता है। अब जो हो गए कंप्लीट है, ट्राई हैच आउट हुई है, उसको हम रेलिंग ट्रेज में रखते हैं। यहाँ पे ये एक्टिव स्विमर बनेगी, इसका भी 48 to 96 आवर्स का टाइम होता है, डिपेंड पे आपने वहाँ से किस स्टेज पे उठाई है। लाइक अभी आप देखते हैं इसके साथ ना थोड़ी थोड़ी यॉक अटैच है, अभी ये प्रॉपरली स्विम नहीं कर सके। तो जैसे ही ये प्रॉपर अपना टाइम पीरियड पूरा करेंगे, इनकी ये फूड ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे, तो ये एक्टिव स्विमर बन जाएंगे। इनमें से कुछ आपको एक्टिव स्विमर भी नज़र आ रहे हैं, इनकी एग यॉक ख़त्म हो चुकी है, देन हम इनको फ्राई में शिफ्ट कर देंगे हाफ घंटे में। वहाँ पर 21 डेज़ का पीरियड है, उसमें हम SRT फीड देते हैं 5 टाइम अ डे, 20% बॉडी वेट के हिसाब से, देन हम एंड प्रोडक्ट फार्म देते हैं। ये आपके पास एक्टिव स्विमर का प्राइस है, ये आपके पास कौन सी इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर सके, आपने वो कंडीशन देखनी है। अगर इसकी पिक्चर आ गई तो ये आप देखिए छोटा सा नजर आ रहा है आपको। मोइना, ओके, दिस इज द फीड, ये लाइव फीड है फ्राई के लिए, पंगेशियस की फ्राई के लिए, क्रस्टेशियंस की फैमिली। इसलिए नहीं डालो, बेसिकली प्रोबायोटिक्स भी हैं, ये सारा दिन चलता है, सारी रात चलता है, बस मिनिमाइज करने के लिए हमने ये लगाया है ताकि उसका फैक्टर ना आए। इसके नेट क्यों लगा हुआ है? फ्रॉग अटैक होता है फ्राई को ना, फ्रॉग से बचाने के लिए। ये मैम पॉन्ड्स की टाइप्स हैं जो हैचरी में यूज होती हैं। इसमें तिलापिया की आपने क्यों नहीं इतना मेंटेन किया? ये मेंटेन इसलिए, इसमें ब्रूट स्टॉक है पंगेशियस का, इसको हम ओवर विंटर करते हैं, ये हमें कंट्रोल अच्छा हो जाता है, इसको कवर हम आराम से कर सकते हैं, वाटर एक्सचेंज ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। एक छोटा इसलिए रखो, छोटा नहीं बोल रही मैं, कह रही हूं उसको इसमें ये साइडों पे आपने वो वो इसके अंदर मूव करती है या नहीं? नहीं, वो इसके अंदर ही मूव करती है, ये बस कुछ सफाई होने वाली है। अच्छा, कुछ ऐसा ना आ सके इधर। अच्छा, वो अंदर वाला पानी आ रहा है, ये बेसिकली हैचरी का पानी हम यूज कर रहे हैं, रिसाइकिल कर रहे हैं। जो ब्रीडिंग में यूज होता है वो हम फार्म फिलिंग में यूज कर लेते हैं, फिर रोटेशन में चलता रहता है, पानी जाया नहीं करते ज्यादा। अच्छा, आपके किसी भी पॉइंट के ऊपर मैंने इनलेट इन बिल्ट नहीं देखा। इनलेट है, इनलेट आपने अलग से पानी दिया? मैनुअल है, मैनुअल है ना, वो बोल रहे हो सामने लगा हुआ है, ये यही पाइप इधर आपको इस तरफ कर देंगे। आपने इन बिल्ड नहीं किया हुआ अंदर, इन बिल्ड पाइप्स नहीं बिछाए हुए? नहीं, पाइप्स बिछाए हुए सिर्फ निकालने के लिए, पानी फॉर्म से निकालने के लिए। तो उसका वो किधर है? वो आउटलेट वो सामने आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल सामने एक पाइप लगा हुआ है, वो अंदर अंडरग्राउंड जा रहा है, आपको नहीं नजर आ रहा ये वाला? इसी लाइन में बिल्कुल सीधा
हाँ जी वो सामने इस साइड पर, ये भी इसका आउटलेट है, क्योंकि सर्दियों में हमें इसको ओवर विंटर करना है, टेम्परेचर डाउन टेम्परेचर से बचाना है। तो मोर्टेलिटी होती है फिर भी आप? नहीं, मोर्टेलिटी अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर जीरो मोर्टेलिटी थी इसकी भी और तलापिया की। और ये कितने इसके अंदर, कितने इसके अंदर? तकरीबन 80 ब्रूडर्स हैं हमारे, जो आपने ब्रूडर टैंक्स में देखे हैं ना वो इसके अंदर है। यहाँ से हम अपनी डिजायर का उठाते हैं, ब्रीडिंग के लिए जो काबिल होता है उसको हम फिर कंडीशनिंग करवाते हैं, इंजेक्शन देते हैं, इसके अंदर आपकी उसके अंदर तलापिया के ब्रूड स्टॉक्स हैं। वो जो आपको हाफ पे नजर आ रहे हैं जाली वाले, उसमें हमारी फ्राई है जिनको हम एसआरटी करती है। हाँ जी, उसके अंदर फ्राई है। इसके अंदर आप नेट लगवाएंगे? इसके अंदर नेट लगवा के मैम, वो तो पेन कल्चर के अंदर, केज कल्चर के अंदर ही है। सर आप कितनी देर तक फ्राई होती है? ये आपकी इकोनॉमिकल जो डिलीवरी के काबिल है ना वो है 31 दिन से 21 दिन। अल्टीमेट वाटर फिर कहाँ जाता है, मतलब जो आप दोबारा रिसाइकल नहीं करते? जो रिसाइकल नहीं करते उसके लिए हमने एक पॉन्ड रखा हुआ है, सिर्फ खाली वही काम करता है, सारा पानी वो कंज्यूम करता है, क्योंकि उसकी सीपेज बहुत ज़्यादा है। तो आप जितना भी पानी इसमें डालेंगे वो एक डेढ़ फुट जज़ब हो जाएगा। तो ये क्या हालांकि ज़मीन तो सारी एक ही है फिर इसमें? और नहीं, कुछ एरियाज हैं, अब वहाँ पे आपको टीले नज़र आ रहे हैं मिट्टी के, एक जैसी नहीं है ज़मीन। अच्छा, रेत भी है साइडों पे, बिल्कुल सामने ही देखें रेत के हैं। तो क्वेश्चन करवाते हैं एस आर टी फीड, जिसको हम एक्चुअली रिवर्स फीड कहते हैं, या 17 अल्फा मिथाइल टेस्टोस्टेरोन यूज़ करके थ्रू फीड हम उसका सेक्स रिवर्स कर देते हैं, या फिर टू सम टाइम के लिए रोक देते हैं। ये कैसे? 21 days? हाँ जी, 21 days तक हम उसको फीड करवाएंगे, इनिशियल 21 days, जैसे कि मैम ने आपको एक्सप्लेन किया था। जी जी। देन 21 दिन के बाद ये नर्सरी में जाएगा डायरेक्ट फार्मर के पास। बेसिकली हैचरी का काम ही है प्रोडक्शन देना और सेक्स। तिलापिया है कौन सी, गिफ्ट वाली है? जी मैम। ठीक है बेटे, और भी कोई सवाल है तो अगले वाले ग्रुप के साथ पूछ लेना। 40 सीपी फीड है ये, हम इसमें फिश मील ऐड करवा के हम इसकी सीपी बढ़ाते हैं, और जब हम 21 दिन के लिए एसआरटी करते हैं फ्राई को, जो मैंने आपको रेडिंग के बाद हाफा में बताई थी, 20% बॉडी वेट के हिसाब से 5 times a day हम करवाते हैं यही फीड, लेकिन इसमें हार्मोन ऐड करते हैं अल्फा मिथाइल टेस्टोस्टेरोन और प्योर एथेनॉल के साथ। अब हार्मोन के लिए हम वाटर क्यों नहीं यूज़ कर सकते, ये क्वेश्चन अराइज होता है। हाँ जी, हाँ सॉलिबिलिटी का फ़र्क है, तो इसलिए हम प्योर एथेनॉल 99% यूज़ करते हैं। ये हो गया क्लियर पाउडर फॉर्म है। अच्छा, इसमें वाटर अगर ना डालें तो वाटर डालते हैं इस फीड में? फिर वो जो आपने हार्मोन डालना है सॉल्युबल नहीं होगा वो, अगर हार्मोन ना डालें तो? नहीं, तो फिर रिवर्स नहीं, अजीम भाई जब हम फीड बनाते हैं ना पाउडर फॉर्म में, अगर पानी ना डाला और सीपी करवा दें, हमने प्रोफाइल के लिए टेस्ट करवा दी, प्रोफाइल तो इशू नहीं है ना, देखिए हमने एसआरटी करना है ना। हां, वो ऐड डालते हैं बाकी पानी में, हार्मोन डाल के उसका गोनेड्स को चेंज करते हैं, सुपर मेल्स बनाते हैं, तो डेफिनेटली वी हैव टू यूज हार्मोन। हार्मोन फीड के थ्रू ही हम उनको दे रहे हैं, इसीलिए हमने उनको कन्फाइंड एरिया में रखा है, इसको हम कंट्रोल कर सकें। आप उसको आटे की तरह बना दें, और जो उसमें उनको ग्राइंड करके उसी फॉर्म में, तो आपका जो वाटर का सोर्स है वो भी पूरा हो जाएगा, और ये अच्छी तरह मिंसिंग हो जाएगा। ना डालें आप पाउडर यूज़ कर लें, कोई नहीं, अगर आप नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन मिंसिंग अच्छी नहीं होगी। मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा कि आप उसको डॉग की फार्म में बनाएं, डॉग को आप डालें उसमें, जो कीमे वाली मशीन है, जो भी आपकी पैलेटेड मशीन है, हम तो पहले कीमे वाली मशीन से यूज़ करते हैं, लेकिन हम तो ड्राई बनाते हैं, ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। मिक्सिंग हम उसको ग्राइंडिंग करवाते हैं, ग्राइंडिंग करवा लें, सेम है। लेकिन रेकमेंड मैं आपको ये करूँगा कि अच्छी मिंसिंग के लिए, अच्छी मिक्सिंग के लिए आप उसको डॉग फार्म में बनाएं, फिर उसके बाद उसकी पैलेट्स बनाएं, देन उनको ग्राइंड करके वही प्रॉब्लम। कोई इफेक्ट नहीं होगा, मिंसिंग सिर्फ अच्छी के लिए। मैं ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है ये 40 सीपी या 2 mm की फ्लोटिंग फीड। ये बेसिकली सिंक नहीं करती, पानी के अंदर नहीं जाती, फ्लोट करती रहती। अब फ्लोटिंग फीड फार्मर के लिए यूज़फुल इसलिए है कि हम अपनी इसमें मिनिमम लॉस है, क्योंकि फीड नीचे बैठती नहीं है, हमें पता है जितनी हमने डाली है वो उसने खा लिया। बस ये है कि कॉस्टली है, इसके अलावा इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है। और कॉस्टली क्यों? कॉस्टली है ये फ्लोट करने के लिए, ड्राइंग में मशीन में पैसा लगता है।
ये कमर्शियल फीड है बेसिकली। हाँ जी, ड्राई की ओवन ड्राई होता है फीड में सारा होता है। नहीं, हम लोग जब हमें रिक्वायर होती है तो हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बना लेते हैं, लेकिन अगर हमने ज़्यादा ज़्यादा स्केल पे बनानी है तब हम नहीं बनाते, हम परचेज करते हैं। और नाम क्या होता? ये 40 CP प्लेटेड 2 mm फीड है, फ्लोटिंग फीड, पैलेट्स है ना, गोलियाँ, तो प्लेटेड फीड है, 40 CP है इसकी साइज़ है। साइज इनटेक जो है वो फिश के साइज पे डिपेंड करता है कि आपके पॉन्ड में बड़ी मछली है। हाँ जी, साइज के मुताबिक आप 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm तक फीड देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है, डाल के ना उसको वो कर लेंगे अचीव, लेकिन अभी हमने जो सीपी 30 CP 4 mm की 30 CP फीड है, वो जो मैंने आपके बताई थी उसमें प्रोटीन सोर्स ज्यादा है, वो 40 CP और ये 30 CP। अब नहीं, 10 हमारी रिक्वायरमेंट्स ही 30 है, उसमें फिश मील भी ज्यादा है और वो ड्राई अच्छी हुई है। उसकी कंपनी अलग है, इसकी कंपनी अलग है, साइज इंग्रेडिएंट्स सेम है लेकिन सीपी डिफरेंट है, एक 40 है, एक 30 है। कार्ब्स के लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं 23 CP, तलापिया के लिए हम 30-35 CP, पंगेशियस के लिए हम 40-45 CP, फ्राई के लिए वैरी करती रहती है सबकी, और बॉडी वेट के हिसाब से फीड वैरी करती रहती है। जब हम किसी फिश को, किसी पॉन्ड को फीड करवाते हैं तो वो बॉडी वेट के हिसाब से करवाते हैं। लाइक फ्राई है तो मैंने आपको बताया था 20% ऑफ द बॉडी वेट लेना है आपने, 180 का 20% लेके और उसके मुताबिक हम उसको फीड करवा देंगे। वो उसकी एज और उसके वज़न के हिसाब से वैरी करती रहती है। जो लास्ट हम हार्वेस्ट करते हैं ना, उसको 1% बॉडी वेट के हिसाब से फीड करवाते हैं। हाँ जी, और बेस्ट FCR भी उतनी होती है कि जितनी मछली ने आपकी फीड खाई है आपको उतना ही वजन दिया है, 1/1 या 1.2 तक अच्छी FCR समझी जाती है, 0.9 से 1.5 से ज़्यादा होगी तो आपकी मछली खुराक ज़्यादा खा रही है, वेट कम कर रही है, तो आप लॉस में जा रहे हैं। FCR बेसिकली फीड कन्वर्जन रेशियो ही ये है कि आपका कितना परसेंट फीड का जो परसेंटेज का वो कितना वेट गेन है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है, ये 23 CP है, 4 mm है। अब आपको इसकी वो सेम नज़र आ रहे हैं लेकिन इनके जो पैकेट्स होते हैं उन पे मेंशन होता है कि कितने CP है, तो जब हम फैक्ट्री से परचेज करते हैं तो अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। ये 23 CP है बेसिकली, पैलेट्स हैं, 4 mm है, 4 mm। ये काप्स के लिए ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं 23 CP। कोई क्वेश्चन है फीड के हवाले से? अब फीड भी पॉन्ड में दो तरह की, आपको सबको ही पता है कि नेचुरल फीड है, आर्टिफिशियल। फिश का सर्वाइवल स्टिल जो है 50% से 70% नेचुरल फीड पे डिपेंड करता है। कमर्शियल फीड तो अब आई है, 2015 में पहली कमर्शियल फीड आई थी ओराइगा के नाम से, अब तो खैर दे 15 से 18 ओराइगा हो गया क्लियर। इसके अलावा क्वेश्चन है तो सीपी का डिफरेंस में क्या प्रोटीन का फर्क होता है? हाँ जी, प्रोटीन की कंटेंट कितना है, 23% है, 30% है, 40% है। अब फिश को रिक्वायर होती है, कार्ब्स को रिक्वायर होती है 23 CP, तलापिया के लिए 30-35 CP, पंगेशियस के लिए डिपेंड करते हैं ना उसकी नेचर क्या है, उनके न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब अगर हम बात करें कार्ब्स की तो कार्ब्स आर हर्बीवोर मोस्टली ना, हर्बीवोर, प्लांट बेस्ड प्रोटीन मिलेगी और ज़्यादातर ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू नेचुरल पे जाएगी। जब फिश बड़ी हो जाती है उसको खुराक कम क्यों हो जाती है? नहीं,